वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज हमारे पास इको स्पोर्ट्स है, ये तो पेट्रोल गाड़ी है हमारे पास। तो इसमें क्या है कि सर्विस ड्यू है, तो ये सर्विस की लाइट आ रही है ये वाली, तो इसको आज हम मैन्युअली रीसेट करेंगे बिना स्कैनर से। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि इसको मैन्युअली रीसेट कैसे करते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है इसको रीसेट करने का। इसको रीसेट करने के लिए हमें स्कैनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये रीसेट करने के बाद से जो सर्विस का टाइम जैसे फिर से जो पूरा होगा, तो ये फिर से ऑटोमेटिकली लाइट ये फिर से आ जाएगी। तो इसको मैन्युअली रीसेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इग्निशन को ऑन है इसको ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद से हमारा जो ये एक्सीलेटर पैडल जो देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, मैं एक बार, तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये एक्सीलेटर पैडल है हमारा इस तरफ, और ये ब्रेक है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक और एक्स ब्रेक को प्रेस करके रखेंगे, और उसके बाद से एक्सीलेटर को प्रेस करके रखेंगे। ये दोनों चीज़ 20 सेकंड के आसपास में हम प्रेस करके रखेंगे, तो हमारी जैसे कि देख सकते हैं मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, और ये सर्विस ड्यू की जो लाइट है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब नेक्स्ट सर्विस होगा तो ये फिर से आ जाएगी। तो जैसा कि एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ये प्रेस करके रखा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं, और ये जो लाइट है हमारी 20 सेकंड के आसपास जैसा कि देख सकते हैं ये लाइट हमारी चली गई, सर्विस की लाइट चली गई। तो ये अब क्या होगा, हमारी सर्विस जो है वो सर्विस जो ड्यू थी उसकी लाइट चली गई है बिना स्कैनर से, मैन्युअली तरीका है दोस्तों। तो इसको हम बिना स्कैनर से लाइट को रीसेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इग्निशन ऑफ करता हूँ और फिर ऑन करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं लाइट आ रही है, मगर ये चली जाएगी क्योंकि हमारी सर्विस की जो लाइट है वो रीसेट हो चुकी है। तो बहुत ही इजी तरीका है हमारा ये इको स्पोर्ट्स की, कोई सी भी गाड़ी हो जैसे पेट्रोल या डीजल की कोई सी भी गाड़ी हो, बहुत ही इजी तरीका है सर्विस लाइट रीसेट करने का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।